Hello everyone, I'm Priyanka Sharma. I welcome you all on behalf of Aastha family. यहाँ हम आस्था में बच्चों को डिफेंस के लिए, सेंट्रल फोर्सेस की जॉब के लिए और पुलिस के लिए रेडी करते हैं. हम बच्चों को पूरा एक डेडिकेटेड प्रोसेस प्रोवाइड कराते हैं जो कि उनकी हर रिक्वायरमेंट को मीट करता है. हमने बच्चे की हर एक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद ये प्रोसेस खुद से बनाया है, जिससे बच्चों को किसी भी चीज़ का कमी ना रहे और उन्हें सक्सेस हर हाल में मिले. जो बच्चों का एम है वो बच्चों के एम को हम 100% सपोर्ट कर पाएँ, ऐसा हमारा एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में हम बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं. इस ट्रेनिंग के अंतर्गत हम बच्चे को सुबह 1-2 घंटे की फिजिकल की प्रॉपर क्लासेस देते हैं, जो कि क्लासेस भी उन लोगों के द्वारा दी जाती है जो कि आर्मी में ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं. जो ऑलरेडी इतने बड़े इंस्ट्रक्टर हैं वो बच्चे को यहाँ प्रिपेयर करते हैं और वो बच्चे की फिजिकल की एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं. हम यहाँ बच्चों का मेडिकल भी कराते हैं. यहाँ हर महीने बच्चे का मेडिकल होता है और उस मेडिकल में देखो जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती उन्हें हम बता देते हैं कि वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती. जो चीज़ ठीक हो सकती है उस बच्चे पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस देते हैं और उस जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसे हम रिजॉल्व कर देते हैं. फिर हम बच्चे के क्या है जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आजकल होने लगे हैं या ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन है, उसके लिए हम डेडिकेटेड बच्चे को कोचिंग कराते हैं, जिसमें 7 से 8 घंटे हम बच्चे को पढ़ाते हैं. यहाँ हर 1.5-2 घंटे की क्लास होती है. फिर उसके बाद हम बच्चे को थोड़ा गैप देते हैं फ्रेशन अप होने के लिए और जिससे वो थोड़ा और एनर्जी अपने अंदर लेके आए और फिर क्लासेस में पूरे एनर्जी के साथ पढ़े और उसका फोकस हमेशा यहाँ पढ़ाई में रहे. इसी के साथ हम बच्चे को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम बच्चे को बेड, स्टडी टेबल और चेयर, कबर्ड सब प्रोवाइड कराते हैं. और हर रूम में हम सिर्फ 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखते, 2 बच्चे जिससे हम एक दूसरे से कोई डिस्कशन करना हो डिस्कशन कर पाए और जो भी कोई प्रॉब्लम हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वो डिस्कस कर सकें. फिर उसी के लिए अगर बच्चे को वो एक दूसरे से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम 2 फैकल्टी हमेशा एक हॉस्टल में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कभी भी 24/7 कोई भी इशू हो तो वो बच्चे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए. ये हमारा खुद का एक प्लान था, जिससे बच्चे क्या है कि अगर रात में भी कोई परेशानी आ रहा है, बाकी हॉस्टल्स में तो टीचर होते ही नहीं है, अब रात में परेशानी बच्चा किससे पूछने जाए. हमारे यहाँ फैकल्टी रहते हैं रात में भी, तो जब भी कोई इशू हो तो बच्चा आके कभी भी उनसे पूछ सकता है, बात कर सकता है. रही बात बच्चे को खाने का, बच्चों का बाहर से आते हैं उन्हें खाने का बहुत इशू रहता है. आप भी जानते हैं कि फूड बहुत नेसेसरी है बच्चे के लिए. अगर खाना ही अच्छा नहीं मिल रहा तो 1-2 दिन ठीक है, 1 हफ्ते भी बच्चा चला लेगा, पर उसके बाद बच्चे का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा चीज़ों में, क्योंकि खाना ही अच्छा नहीं मिल रहा, एनर्जी ही नहीं, एनर्जेटिक फील नहीं करेगा. तो इसीलिए हम बच्चे को 4 टाइम फूड का फैसिलिटी है, जिसमें हम 2 टाइम बच्चे को स्नैक्स, टी वगैरह ये सब प्रोवाइड कराते हैं, बाकी आपका लंच और डिनर है, जिससे बच्चे का पूरा ही ध्यान रखा जाए. और हम ऑलरेडी ध्यान रख रहे हैं और कोई भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे सुनने के लिए फैकल्टी है, वार्डन है, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे. कोई भी प्रॉब्लम होगी वो 24/7 बच्चे का सुनेगा और उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करेगा. ये हमारे यहाँ पूरा एक प्रोसेस ऐसे ही काम करता है. हम बच्चों के हॉस्टल में रख के ही पढ़ाते हैं. ठीक है, अब बच्चे जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं पर उनका एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है. मतलब मैं तो कहूँगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो कि बच्चे 10th स्टैंडर्ड पास है. जो बच्चे 10th पास हैं या तो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए या फिर जो 12th कर चुके हैं, कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, पर उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 10th है. किसी बच्चे को कोस्ट गार्ड में जाना है तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आया हुआ है नाविक का, जिसमें आपकी 50 वैकेंसी निकली हुई हैं और 50 वैकेंसी बहुत होती हैं. आप बस इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द ग्रैस्प कीजिए. ठीक है, इसमें उनकी रिक्वायरमेंट है 10th स्टैंडर्ड पास और परसेंटेज भी उन्होंने ज़्यादा नहीं मांगी है, जिसमें जनरल के लिए जनरल और ओबीसी के लिए उन्होंने 50% मांगा है और SC ST के लिए उन्होंने और भी कम मांगा है 45%. जो भी बच्चा इस क्राइटेरिया को मैच करता है वो एप्लीकेशन फिल कर सकता है. इसका एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आपका 30 नवंबर से और क्लोज हो जाएगा ये 7 दिसंबर को. तो बिल्कुल रेडी रहिए, डे बिल्कुल मिस मत कर देना, रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि 10th तो देखो सब कुछ करे होते हैं और ये मार्क्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, किया हुआ है
अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना. और इसका एग्ज़ाम जो कि अभी टेंटेटिव डेट्स बोल रहे हैं, क्योंकि टेंटेटिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चेंज भी हो सकता है फ्यूचर का, देखो किसी को नहीं पता. पर फिर भी एक टेंटेटिव डेट है जो कि हमारा, वो क्या है, जनवरी 2021 में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नया बताया जा रहा है. अगर एग्ज़ाम जनवरी 2021 में होता तो तब भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है. एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आता क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ही कम है. ठीक है, रिक्वायरमेंट कम है तो ऑब्वियसली तुम्हारा एग्ज़ाम उतने ही स्टैंडर्ड का होगा. और इसमें बच्चे आपकी एज 18 to 22 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा. ठीक है बच्चे, तो अब आपको क्या करना है, ये आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जाके इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर देना है. अप्लाई करने के बाद बस आपको तैयारी में जुट जाना है. तैयारी में क्या जुट जाना है, इसके होगा एक आपका ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम. ये आपका जो एग्ज़ाम है 3 फेज में कंप्लीट होगा. ठीक है, पहला आपका है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपका वही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आपका मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और इंग्लिश हो गया. 3 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके आएंगे, मैथ जिसे आप एप्टीट्यूड भी बोलते हो, अर्थमेटिक, ठीक है, रीजनिंग, और अच्छे आपका एक आएगा इंग्लिश, और एक है आपका जनरल अवेयरनेस. ठीक है, जिसमें आपका जनरल साइंस भी इंक्लूड होता है. ठीक है, ये आपके आएंगे तो आपको बस इसके लिए प्रिपेयर करना है. इसके लिए भी हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट कर दी है हमने, जैसे ही हमने नोटिफिकेशन देखा हमने क्लास के लिए स्टार्ट करने के लिए अपने यहाँ बोल दिया, तो हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं बच्चे इसकी. ठीक है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो, आपको अगर है कि ये अंदर से बहुत सीरियस हो कि नहीं आपको ज्वाइन करना ही है, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करो. इंक्वायरी आप कभी भी ले सकते हो, नंबर आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नंबर सेव करिए क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है. क्लासेस हमारी चली गई हैं, तो आपका जैसे ही आपका क्लास में एनरोल होते हो आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम क्लियर होगा आपका. ठीक है, सेकंड, जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो वो आपका क्या करेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे बच्चे बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में फिजिकल टेस्ट. फिजिकल टेस्ट इसमें कुछ नहीं है, आपके सिर्फ 3 कैटेगरी के टेस्ट होंगे. पहला, आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी जिसका मैक्सिमम टाइम 7 मिनट होगा. पर हमें 7 मिनट कंसीडर क्यों करें, हम उससे कम कंसीडर करेंगे, हमें 5 मिनट से पहले पहले वो कंप्लीट करनी है, और बच्चे करते भी हैं तभी वो जाके मेरिट लिस्ट में आते हैं. तो उसके लिए हम ऑलरेडी, हमने पहले ही बता दिया कि तैयारी हमारी स्टार्ट करा दी है. फिजिकल की बच्चे की प्रिपरेशन यहाँ बहुत अच्छे से कराते हैं हम. फिर इसके बाद आपको स्क्वाट्स के साथ साथ आपको पुशअप्स, 2 टेस्ट और होते हैं, बस आपका फिजिकल वहीं कंप्लीट है. फिर उसके बाद आपका थर्ड फेज में क्या होता है बच्चे, थर्ड फेज आपका होता है मेडिकल टेस्ट. तो आप मेडिकल टेस्ट के लिए तो आपका हम ऑलरेडी करा के ही देंगे, और फिर वहाँ जाके आपको पता ही चल जाएगा कि आपका मेडिकल क्लियर है, बस फिर क्या है, मेरिट लिस्ट का वेट करना है और आपके पास जॉब आपके हाथ में है. तो मेरा तो सजेशन यही है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो. देखो टाइम बहुत कम है, बहुत एसेंशियल एंटिटी है हमारा टाइम. अगर टाइम ही वेस्ट कर दोगे तो ये अपॉर्चुनिटी भी चला जाएगा, कितनी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाए तो कुछ ही नहीं हो सकता एज यू नो. तो बस अपने एम क्लियर करो, फोकस्ड रहो, और ये जॉब आपकी है. थैंक यू स्टूडेंट.